स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूं सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। एमएसएमईज ने हमेशा से ही इंडियन इकोनॉमी में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाया है। अभी देश में एक्टिव 6.3 करोड़ यानी कि 6,30,00,000 एमएसएमईज ने ना सिर्फ देश की जीडीपी में एक बड़ा योगदान देते हैं बल्कि ये एक बड़ी आबादी के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस क्षेत्र में लगभग 11 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ लेबर मार्केट स्टेबिलिटी में भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ऐसे में सरकार द्वारा वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर विशेष जोर दिए जाने के साथ भी भारत की अर्थव्यवस्था के साथ ही आर्थिक रणनीति की दृष्टि से जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनकी भूमिका जो है वो अकल्पनीय है। एमएसएमई क्षेत्र के महत्व को देखते हुए वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा अनुमान लगाया गया था कि अगले 5 वर्षों में यह क्षेत्र भारत की आधी जीडीपी और लगभग 50 मिलियन नए रोजगारों के सृजन करेगा। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण डिमांड और जीएसटी जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के कारण सप्लाई साइड में मंदी के संकेत देखने को मिले, लेकिन अब सही और वो वक्त है जहां पर एमएसएमई क्षेत्र के प्रमुख चुनौतियों पर काम करने की जरूरत है। जर्मनी और चीन की जीडीपी में एमएसएमई की जो भागीदारी है वो 55% और 60% है, जो इस बात का संकेत देती है कि भारत को इस क्षेत्र में अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है। तो आज हमारी चर्चा देश के हर एक उस व्यापारी के लिए है जो वैश्विक मंदी की चुनौती का सामना कर रहा है। एमएसएमईज के ऊपर आज हमारी चर्चा है, लेकिन इससे पहले एमएसएमईज से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देते हैं, ग्राफिक्स की ओर नजर बढ़ाते हैं जहां पर क्या है एमएसएमईज की सेक्टर की अभी स्थिति, जहां एमएसएमईज लगभग 11 करोड़ नौकरियां देती है। आप सोचिए कि ना केवल जीडीपी के लिए बल्कि रोजगार के लिए कितना महत्वपूर्ण सेक्टर है। भारत में कुल रोजगार यानी कि टोटल जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उस टोटल शेयर के अंदर 23% जो योगदान है वो यही एमएसएमईज का है, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। केवल 5% एमएसएमईज ऐसी हैं जो अभी पंजीकृत है उद्यम के साथ। तो इस उद्यम पोर्टल के ऊपर केवल अभी 5% एमएसएमईज जो है वो रजिस्टर्ड है। तो मेक इन इंडिया की जब हम बात करते हैं, मेक इन इंडिया के अंदर फ्रंट रनर है एमएसएमई। तो ये स्मॉल बिजनेस जिनको हम बोलते हैं ये जीडीपी में 8% योगदान देती है, ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। सोचिए जीडीपी के अंदर 8% योगदान, और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय के अंदर ये 50% होने की उम्मीद है। तो कितनी एमएसएमई को मिल रही है वित्त सुविधा, क्योंकि कोविड-19 के बाद जो एक फाइनेंशियल क्रंच देखने को मिल रहा है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों इनोवेशन में अभी भी कमी है, जब हम एमएसएमई की बात करते हैं एक्सपोर्ट के अंदर योगदान है, तो कितनी एमएसएमईज है जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, क्योंकि जब तक जीएसटी के अंदर वे रजिस्टर्ड नहीं होंगी तो जीएसटी का लाभ किस तरीके से उठाया जाएगा, सिस्टम का पार्ट किस तरीके से बना जाएगा, तमाम सवाल है। एमएसएमई सेक्टर की स्थिति क्या है आज इसी मुद्दे के ऊपर रहेगी हमारी चर्चा, हर एक उस व्यापारी के लिए जो आज इस वैश्विक मंदी के अंदर चुनौती जो है वो फेस कर रहा है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजनीश गोयनका हमारे साथ है, चेयरमैन है एमएसएमई फोरम के, साथ ही दीपक देव हमारे साथ बिजनेसमैन है, प्रतीक गुप्ता हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। सबसे पहले रजनीश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी इंडिया की जीडीपी के अंदर एमएसएमईज का, साथ ही जब हम बात करते हैं हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स की तो 40% योगदान है। अभी कितना डीप रूटेड और कितना अनइमेजिनेबल ये क्राइसिस है एमएसएमईज की, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं क्राइसिस नहीं मानता, मैं अपॉर्चुनिटी मानता हूं। जो वर्ल्ड ऑर्डर इस समय बन रहा है पोस्ट रशिया यूक्रेन वॉर, सैंक्शंस और ये सारी चाइना के बारे में जो चीजें वर्ल्ड में हो रही हैं, ये एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के एमएसएमईज के लिए। चाइना अगर चाइना बना तो एमएसएमईज की स्ट्रेंथ पे बना था। अगर इंडिया ने कोविड को सरवाइव किया या हमने आज भी जीडीपी हमारा वर्ल्ड के मुकाबले में ऊपर जा रहा है या स्टेन कर रहा है, I believe it is because of MSME strength of this country. So, मोदी जी की गवर्नमेंट ने इस स्ट्रेंथ को रियलाइज किया, उससे पहले हमारी स्ट्रेंथ को रियलाइज नहीं किया था, हमें पिटाई होती थी MSME की भी, तुम काम कर क्यों रहे हो, यू नो।
अब आगे ये महसूस हुआ गवर्नमेंट को भी, हमारी इम्पोर्टेंस बनी कि एमएसएमई की स्ट्रेंथ पे देश खड़ा होगा। कहने में भी आता है कि देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हम लोग हैं। आपने जो जॉब कहा, 80% प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स एमएसएमई के द्वारा मिल सकती हैं। हमारे देश में 60% युवा हैं, सबको नौकरियां चाहिए, पर देश में इतनी नौकरियां नहीं है। तो गवर्नमेंट ये भी रियलाइज करती है कि उसको ऑल्टरनेटिव क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंड दैट कैन बी ओनली प्रोवाइडेड बाय एमएसएमईज। मैं इसलिए ये शब्द, मैं खुद एमएसएमई हूं, मेरे को ये क्राइसिस और हम बड़ी दिक्कत में हैं ये चीजें। हाँ, अब आगे फंडिंग की बात है, जैसे बट अब फंडिंग चाहिए। रजनीश जी, वी कैन नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट, हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। अगर हम, वी आर इन द मिडल ऑफ क्राइसिस, वैश्विक मंदी चल रही है, अमेजॉन जैसी कंपनियां जो है वो कटौती कर रही हैं अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए, तो मतलब वी आर इन अ मिडल ऑफ क्राइसिस, वी कैन नॉट डिनाई इट। जी रजनीश जी, मैं इस अपॉर्चुनिटी को, टीवी में आपने एक एमएसएमई को बुलाया, मैं इसको चलिए अपॉर्चुनिटी के तौर पे, बिकॉज सारे लोग सुन रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग भी सुन रहे होंगे। सर, हमें बहुत कुछ मिला है और बहुत कुछ की जरूरत है, और वो जो क्राइसिस है वो अगर एमएसएमई पे आएंगे, सबको, गवर्नमेंट को भी रियलाइज करना है, और तो देश के हर आदमी पे आएगी, आम आदमी को दिक्कतें आएंगी। So, हमारे अगर क्राइसिस हैं तो सबको उसको बैठ के हमारे सुलझाने की जरूरत है। अभी दिक्कत यह है कि हमें खुद जाना पड़ता है, ऐसे जैसे हम बैगर्स हों, वो क्राइसिस है। बैंक का गेट का चपरासी हमें बाहर भेज देता था कि भाई अंदर नहीं घुस सकते। अब हम जब जाके बोलते हैं, मैंने 8 साल इस पे मेहनत काम किया है एज ए मिशनरी, आज मैं प्राउड हूं कि जिस एमएसएमई को 5-4 साल पहले को पूछता नहीं था, लोग पूछते थे, बड़े बड़े मंत्री सेक्रेटरी पूछते थे एमएसएमई होता क्या है। हमने इसके ऊपर काम करके आज एमएसएमई की पहचान बनाई और एक ताकत बना दी। जैसे किसान और मजदूर से लोग डरते थे अफसर, आज एमएसएमई से भी, आज बैंक में जाके बोलो मैं एमएसएमई हूँ, कहते अच्छा अच्छा भाई साहब बैठो। तो सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो रही है, बहुत हमारी फेवर में आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे एमएसएमई खुद है। वो अच्छा, हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, कैसे सर? बिल्कुल, आप देखिए कि आज मजदूरों की या किसानों की पहचान, या गवर्नमेंट, एक किसान आत्महत्या करता है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां गवर्नमेंट कहती है अरे मर गया मर गया, अखबारों में भी आती है, हमारी तो कोई नहीं आती न्यूज, क्योंकि हम कलेक्टिव नहीं है। आज देश में पॉलिटिक्स से गवर्नमेंट चलती है। मैं सबको यहाँ कहूंगा, कलेक्टिव हो जाओ, इकट्ठे हो, अगर कुछ भी चाहिए ऐसे नहीं देगा कोई हमें सबको। मैंने एक कलेक्टिव वॉइस एमएसएमई फोरम के अंदर बनाई है, पूरे देश के 36 चैप्टर खोले हमने। अब कोई एक इश्यू पे 36 स्टेटों से जब चिट्ठी सेक्रेटरी को जाती है ना जी, वो हिलता। बैंक में हम जाते हैं तो बैंक वाले हिलते हैं जब उनको लगता है, मैं बोल देता हूँ कि भैया ये हमारा काम नहीं करोगे, डिक्की में दरी पड़ी है, तुम्हारे दफ्तर के आगे बैठ जाएंगे। तो हमें खुद स्ट्रेस करना पड़ेगा, हम खुद अकेले अकेले एकला चलो लगे रहते हैं तो कौन आपकी सुने। आपके पास रजनीश जी, वापस आती हूँ। दीपक है हमारे साथ, खुद बिजनेसमैन है। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है सर ने, रजनीश जी ने, अगर दीपक आपने सुनी हो तो, कि हमें अपने राइट्स के लिए अब खुद आवाज उठानी पड़ेगी, कि भाई गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा जी पॉलिसी बनाइए हमारे लिए, हमें फंड्स दीजिए, हम फाइनेंशियल क्रंच के अंतर है, अब हम शटडाउन नहीं कर सकते। क्या कहना चाहेंगे इस पर आज दीपक जी? मैम, अभी एक डाटा आपने जैसे बताया कि 5% ही एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं जीएसटी के अंदर और सेमी फॉरम के अंदर, तो कि बहुत बड़ा रीजन है मैम। आप जो भी छोटे उद्यमी हैं उनको देखो तो चाहते कि भाई मैं उतना ज्यादा टैक्स पे क्यों करूं, एक तो जीएसटी की मार, उसके बाद फिर इनकम टैक्स की मार, अब अगर टीडीएस कट रहा है, फिर और भी 3-4 और आपके जो टैक्सेस कटते हैं अलग अलग जगह पे, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस पर टैक्स आप दे रहे हो, तो एट द एंड ऑफ 50% जो अपना फ्रॉम स्क्रैच ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू एंड यूजर तक जो पहुंचता है माल, उसमें से अराउंड 50% आप पे कर रहे हो। अगर हर एक चीज को आप छोटे छोटे काउंट कर स्टार्ट करो ना, हर एक लेवल पे अपने टैक्स कितना पे कर रहा है, तो वो टैक्स की वजह से कोई भी छोटा उद्यमी चाहता है यार मेरे को तो उतना तो बचत है नहीं,
10 रुपए का माल मैंने लिया है, मैंने 2 रुपए और अपना मार्जिन ऐड करा है, मैं 12 रुपए 12.5 रुपए का बेच दे रहा हूँ। उस बीच में अगर देखते हो तो भाई एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। और यही रीजन है कि जो पुराने उद्यमी है ये चाहते हैं कि जी मेरा अगर एक छोटा सा चल रहा है मैं उसी में खुश हूँ, मेरे को नहीं रजिस्टर करवाना है, मुझे जीएसटी पे नहीं चाहिए, विदाउट बिल ले लो जी आप, मैं अपना पर्सनल गाड़ी भेज दूंगा जी, आप ट्रांसपोर्टेशन इशू मत नहीं होगा। जिस इंडस्ट्रियल एरिया में आप जाओ वहां पे आप देखो कि कितने लोग रजिस्टर्ड और कितने जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसके तहत चल रहे हैं, नॉट मोर देन 20-25%। हर एक इंडस्ट्रियल एरिया में आपको ये चीज मिलेगा, मैं भी एक इंडस्ट्रियल एरिया में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे भी देख लो जी विदाउट जीएसटी ले लो जी, कोई इशू नहीं है। कारण में बहुत बड़ा गैप है। अब ये गैप कैसे फील होएगा, यहाँ पे पॉलिसी की बहुत बड़ी नीड है। आप चले जाओ किसी 50,000 प्लस से आप लेके जा रहे हो, ईवे बिल चाहिए जी आपको, आप 50% से प्लस दे रहे हैं, आप 50,000 प्लस वाला बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, अब वहां पर लोग टैक्स की कटौती करना स्टार्ट करेंगे। क्यों जी? कि भाई ईवे बिल सर देना पड़ जाएगा, कहीं सेल्स वालों ने पकड़ लिया सर बहुत बड़ा चालान कटेगा अपना। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक लूप होल है, ये लूप होल जब तक फिल नहीं होएगा यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कीजिए 50% भी रजिस्टर्ड होंगे उस पोर्टल के अंदर, नहीं होंगे। मैम कोई भी मेहनत करता है, मैं 10 बजे स्टार्ट करता हूँ, 11 बजे 11:30 बजे जाता हूँ घर, क्योंकि भाई मेरा एक एक एम है कि भाई मेरे को एक अपनी अच्छी कंपनी लेके जानी है। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ उस चीज को लेके, यहाँ पे इतना है कि भाई आप जितना ज्यादा मेहनत करो गवर्नमेंट को उतना ज्यादा टैक्स दो। तो अब एक चीज है कि आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि कहाँ पॉलिसी कितनी ज्यादा जा रही है। अगर लेकिन मैं मेहनत करूँ टैक्स ठीक है टैक्स जी, वी पे आर करना भी तो कंट्रीब्यूटिंग टू द जरूरी है ना टैक्स, दीपक हम दे जी, रहे हैं। हम उससे तो डिनाई नहीं कर सकते, टैक्स पे करना तो हमारी ड्यूटी है ना। नहीं, टैक्स पेज इज अ गुड थिंग मैम, दो आप कमा रहे हो तो ऑब्वियस आप क्या बात ये है कहना चाह आपका रहे हो एक कि जिम्मेदार एमएसएमईज जो हैं नागरिक। उनको रिवाइवल इसलिए मिल रहा टैक्सेशन की वजह से? मैं टैक्सेशन को सिर्फ नहीं क्लेम नहीं, मैं करूंगा, आपसे मैं ये कारण पूछ कहूंगा रही हूं कि कि जो आप एक खुद टैक्सेशन बिजनेसमैन है हैं, आपको क्या लगता है क्या क्राइसिस आ रही है? बिजनेसमैन अगर एक स्मॉल बिजनेसमैन है उसको क्या क्राइसिस आ रही है? क्यों इकोनॉमी के अंदर एमएसएमईज इतनी इंपॉर्टेंट है लेकिन रिवाइवल कैसे किया जाए? मैम, मैं इसमें दो तरफ से बात करूंगा कि रिसेशन जो है वो बड़ी कंपनियों के लिए है, छोटे व्यापारी और एमएसएमई के लिए नहीं है, एक बात। दूसरी चीज कि रिसेशन का जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना तो उसमें बहुत सारी पॉइंट्स आ जाती है कि हम लोग किस तरीके से देख रहे हैं। सर ने जैसे कहा कि जी हमें ऐसे अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए। छोटे एमएसएमई वहीं पे प्ले करते हैं कि दे आर जस्ट फिलिंग द लूप होल्स, बड़ी कंपनी जो लूप होल छोड़ती है ना, छोटी कंपनी वही लूप होल्स फिल करती है, वहां पे एमएसएमई काम कर रहा है। तो छोटे कंपनी के लिए तो मैं नहीं कहता कि भाई रिसेशन है। हाँ, पोस्ट कोविड अगर देखें तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो कि बंद हो गई, वापस उठ नहीं पाई है ना। दीपक रीजन रहा जी, मैम, बहुत बड़ा रीजन रहा कि गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मेरे किस पास ये तरीके से नहीं डेटा दिया गया। है, ये मैं खुद से नहीं बता रही हूं। आपने जी जो ये बात कही कि मंदी जो है वो नहीं है स्मॉल बिजनेस के लिए, एमएसएमई मिनिस्ट्री की तरफ से ये डेटा है कि 67% उन्होंने सैंपल किया कुछ एमएसएमईज के ऊपर, 67% आप सोचिए एमएसएमईज टेम्परेरली क्लोज्ड हो गई। ये मिनिस्ट्री की तरफ से डेटा दिया गया करेक्ट है। प्रदीप जी, आप इसके ऊपर क्या कहना करेक्ट है चाहेंगे? कि जैसे हमारे गोयनका जी ने कहा था और दीपक जी ने कहा था, निचोड़ क्या है, तीन चीजें हैं इसके अंदर। एक तो सबसे जो हमारी सरकार की पॉलिसियां हैं, आज बहुत जटिलता है इसके अंदर, पॉलिसी के अंदर। एमएसएमई अगर जो हम कह रहे हैं ना कि 5% रजिस्टर्ड है, तो जब तक रजिस्टर्ड नहीं होंगी तब तक सुविधा नहीं मिल पाएगी उनको, तब तक उनको ऋण नहीं मिल पाएगा, तब तक वो सरकारी सुविधा नहीं ले पाएंगे। तो आज सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो रजिस्ट्रेशन का है, रजिस्ट्रेशन बहुत कम है आज एमएसएमई में। आज हमारा जो देश के अंदर 65% 70% जो व्यापार है वो एमएसएमई के द्वारा ही है, क्योंकि एमएसएमई और इसके अलावा असंगठित क्षेत्र भी बहुत सारे हैं। जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं ना यहाँ पे कि 6 करोड़ हमारे एमएसएमई है, जी काफी एमएसएमई ऐसी है जिनका तो जो बिल्कुल ही मतलब इनकी कोई गिनती नहीं है। तो आज किसी भी देश ने तरक्की करी है, चाइना हो चाहे ब्रिटेन हो चाहे जापान हो चाहे जर्मनी हो, वो बिना एमएसएमई के नहीं बढ़ पाया। चाइना 60% एमएसएमई से बढ़ा है, आप ये देखिए। तो सरकार ने, एक तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा दोबारा, चेयरमैन गोयनका जी ने कहा था कि आज भारत सरकार कोशिश कर रही है 2014 के बाद से, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि पहले एमएसएमई की चर्चा नहीं होती थी, पहले एमएसएमई को समझा नहीं जाता था कि एमएसएमई है क्या, पहले इसको मतलब कहीं महत्व नहीं था, आज महत्व है। और सरकार की निगाह इसके ऊपर बड़े बड़े, क्योंकि आज हम बैठते हैं व्यापारियों की मीटिंग में तो जीएसटी वाले आते हैं जगह जगह, इसको इनोवेट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, व्यापारी को बुलाते हैं, चर्चा की जाती है, लेकिन चर्चा के बाद में कहीं ना कहीं व्यापारियों में डर है कि मैं रजिस्टर्ड हो जाऊंगा इतना मुझे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स स्लैब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। जैसे हम सरकार की योजना रही स्टार्टअप की रही है, या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए सरकार ने करा है,
जो सरकार ने प्रावधान किया है वो सरकार कर रही है पर बहुत कम है। अगर हमें देश को तरक्की के रास्ते में लाना है, देश का समुचित विकास करना है, क्योंकि आज हमारे हमारा देश एक बड़ा देश है, हमारे देश में हमारा देश एक चाइना से बड़ा देश जनसंख्या होने वाला है। तो आज हमारा जो देश में संभावना है वो MSME को हम जितना बढ़ा लेंगे, आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है और सबसे ज्यादा रोजगार जो MSME के माध्यम से ही हो सकता है। MSME अगर बढ़ेगा सरकार में इंडस्ट्री बढ़ेंगी, क्योंकि आप देखिए सबसे पहले छोटा व्यापारी कोई उद्योग शुरू करता है लेकिन उसको क्या है कि वो उसे लोन ही नहीं मिल पाता, अगर वो लोन लेना चाहता है ना तो। प्रदीप जी, रजनीश जी तो कह रहे हैं कि आप नौकरी की छोड़िए, एक एनवायरमेंट ही देश के अंदर ऐसा बन जाए, ईज ऑफ बिजनेस इतनी ज्यादा हो जाए कि एक स्टूडेंट, एक बच्चा जो है कॉलेज से निकले और कहे भाई मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे तो खुद का बिजनेस करना है, ये माइंडसेट आ जाए, तो वो ईज ऑफ बिजनेस कैसे लेकर आया जाए, वो एनवायरमेंट कैसे बनाया जाए कि इतनी ज्यादा MSME से हो जाए। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज हमारी जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है ना, शिक्षा में सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सरकार के ध्यान है जो बाहर की पढ़ाई है, जो विदेश की पढ़ाई है, जो और कंट्री की पढ़ाई है, वहां पर खास तौर से शुरू से ही इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसको जहां पर रुचि होती है। जैसे आप कहीं भी आप देखेंगे ना, आज हमारी कंट्री में अभी भी हाई स्कूल तक, इंटरमीडिएट तक वही पढ़ाई है पुराने की तरह। अगर हम कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की पढ़ाई शुरू करवा दें, जो आदमी बचपन से ही जिस बच्चे का जिस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, जिनके उसमें व्यापार की जो पढ़ाई हो, मतलब जैसे आज MSME के अंदर सारे उद्योग आते हैं, जो भी उद्योग जिसके टर्नओवर 1 करोड़ से कम की है, जो तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऐसे बच्चे बनाए कि वो माइंडसेट उनका बने कि हमें खुद का स्टार्टअप खोलना है, खुद का बिजनेस खोलना है। रजनीश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, हम लगातार हाथ खड़ा कर रहे थे, काफी सारी बातें आपके पास है बोलने के लिए, तो सवाल ये है कि सोल्यूशन क्या है, कि अभी आप तो कह रहे हैं कि क्राइसिस नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी सोल्यूशन क्या है, क्योंकि अभी बहुत सारे एक्सपर्ट्स द्वारा, इकोनॉमिक्स जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर रिसेशन आने वाला है, तो हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, क्योंकि MSME फोरम के नाते हम अलग अलग जगह कॉन्फ्रेंसिस करते हैं, उनसे MSME से उनकी समस्याएं समझना चाहते हैं, गवर्नमेंट और MSME के बीच में कैटलिस्ट का काम करने का प्रयास करते हैं। अभी हमने पिछले साल बीकानेर में कॉन्फ्रेंस की, तो एक अग्रवाल जी का ले गए मेरे को अपनी फैक्ट्री दिखाने, जी हम देखो कितनी बढ़िया मिठाई भुजिया बनाते हैं, तो कहने लगे जी कि मेरी मिठाई और भुजिया हल्दीराम से बढ़िया है। तो मैं कह यार आप बीकानेर में क्या कर रहे हो, हल्दीराम तो दुनिया भर में पहुंच गया। सो दैट इज द प्रॉब्लम, जैसे अभी दीपक भाई ने कहा हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हम वहीं का वहीं रहना चाहते, बढ़ना नहीं चाहते, कंप्लायंसेस नहीं करते, टैक्सों की चोरी जैसे है वो करके किताबें नहीं बनानी। अब मेरा बेटा, मैं भी उन्हीं में से था, मेरा बेटा आया, उसने जब से कहता पापा वी शुड पे टैक्स, वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, अगर स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होगी तो बैंक आपके पीछे आके आपको लोन देगा, दुनिया भर से आपको सस्ता लोन मिलेगा। तो सर मैं सब अपने MSME भाइयों को कहता हूं कि वो सोच से बाहर निकलो, दुनिया भर में जाने का सोच बनाओ, अपना विजन खड़ा करो, कंप्लायंसेस में करो, अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करो, टैक्सेस दो, तो अपने आप फंडिंग भी मिलेगी, आपका काम भी बढ़ेगा, वो छोटी सोच से बाहर निकलो। सारी दुनिया, अभी मैं MSMEs की प्रमोशन के लिए अमेरिका गया, अभी मैं परसों ही रशिया से वापिस आया, मुझे उन्होंने दोबारा बुलाया रशिया में, 24 को फिर 23 को रशिया जा रहा हूँ MSMEs की प्रमोशन, इतनी अपॉर्चुनिटी है रशिया में, मैं फिर कहता हूँ इस समय अपॉर्चुनिटी है। अब वो कहते हैं रशिया वाले, कहते हैं अमेरिका वाले, कहते सर आप जिम्मेवारी लो, जो डिजाइन जो क्वालिटी वो हम तय करेंगे वैसी वो माल भेजें। तो सर हमें अपग्रेड करना है, हमें रिलायबिलिटी पैदा करनी चाहिए, वी शुड रन, हमें गवर्नमेंट थोड़ा आपकी एक्सपोर्ट कर देगी। सो इन सी चीजों, बैंकर मिला मेरे को CMD, कहता है जी MSME वाले के छोटा लोन लेते हैं, दोबारा हमारे पास आते नहीं, अगर कोई दिक्कत है हमारे पास आए, हमारे को बताएं तो हम उनका इलाज करेंगे, उनको रास्ता बताएंगे, वो डर के मारे हमारे पास ही नहीं आते। सो मेरे को, मैं देखो मैं चाहता हूं कि बीमारी का हल हो, मेरे मैं खुद MSME हूं, मैं इनका लीडर हूं, मैं इनके लिए काम कर रहा हूं, तो इसका हल क्या है? आपने तो बोला, आप बार बार एक चीज कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी है, जी बिल्कुल है, मैं तो कह रही हूं, अभी हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर जब बात कर रहे थे तब भी हमने कहा था कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है,
पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी है, तो ग्रैब कैसे किया जाए इस अपॉर्चुनिटी को, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं वही दीपक भाई और गुप्ता जी के माध्यम से और जितने व्यूअर्स आपके सुन रहे हैं उनको मैं ये कहता हूँ, अपॉर्चुनिटी है पर आपके घर को देने नहीं आएगा, आपको अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको उसके लिए घुसना पड़ेगा, छोटेपन की सोच छोड़ो। बीकानेर में मैंने कहा जी मैं एक बार आपको अभी 15-20% प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, आप मेरी बात सुनो मानो। कहते जी क्या, मैं कहा मेरे को बताओ कितने लोगों के टेबल पे कंप्यूटर है, कहते उससे प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, मैं कहा वो मेरे एक्सपर्ट आए हैं साथ आपको बताएंगे, और बिल्कुल एग्जिस्टिंग सिस्टम में एग्जिस्टिंग कैपिटल में आई गारंटी कि आपके 15-20% टेक्नोलॉजी इंक्लूजन करो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो दे हैव टू इन्वॉल्व सम टेक्नोलॉजी, दे हैव टू चेंज योर माइंडसेट। तो हमें पर्चे नहीं फाड़ने, ये नहीं करने, अब वो दिन गए। अब गवर्नमेंट आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी, पर गवर्नमेंट आपके घर आके इंस्पेक्टरों ने काम करना वो आपको क्यों देंगे, वो तो कहेंगे नहीं मेरे को पैसा दो तब मैं काम करूंगा। हमारे साथ थोड़ा वहां बैठ के इंस्पेक्टर आप कह रहे हैं, मैंने आपकी बात रजनीश जी मान ली, गवर्नमेंट आपके घर पे आके नहीं देकर जाएगी, आपको रोटी तो खुद ही कमानी पड़ेगी, मान लिया। दीपक हमारे साथ बैठे, उन्होंने एक बात कोट करी कि मैम मार्केट के अंदर कोई अपने आप को रजिस्टर ही नहीं करना चाहता कि टैक्स इतने ज्यादा है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा वर्ड है कि मेरे को वैसे ही प्रॉफिट नहीं हो रहा, अब जब मैं टैक्सेशन के लिए वहां करूंगा अप्लाई, मान लीजिए जीएसटी के लिए अप्लाई करता हूं तो टैक्स इतने ज्यादा है कि मेरा प्रॉफिट तो और कम हो जाएगा ना। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे इस पर आप, कि क्या अभी मार्केट में रिस्क लिया जा सकता है? जैसे अभी सर ने एग्जांपल दिया कि जी टेबल के ऊपर कंप्यूटर लगा दीजिए, मंदी ऑलरेडी चल रही है और आप और इन्वेस्टमेंट वो भी कंप्यूटर के ऊपर कैसे कर ले कोई बिजनेसमैन? तो रिसेशन का मतलब यही हुआ ना मैम कि बाइंग बिहेवियर कम हो गया लोगों का, स्पेंडिंग कम हो गई। अब जब स्पेंडिंग कम होगी तो डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा एक रूल है, जब डिमांड ही कम है सप्लाई कम होना ही होना है। तो सरकार है कि भाई अब डिमांड बढ़ गया तो उससे हो सकता है कि रिसेशन निकल सके हम लोग उससे, भाई ऐसे ऐसे और भी एमएसएमई वाले हैं वो सारा लेके जाए उसको। इसमें मैं एक पुरानी बात जैसे भी गुप्ता साहब ने मेंशन करा है कि जी एजुकेशन सिस्टम का भी जिक्र कर रहा था इसको लेकर, मैं दोनों पॉइंट को कनेक्ट करना चाहता हूँ कि जैसे आप देखो बहुत सारे स्टार्टअप्स हुए हैं जो कॉलेज डेज में स्टार्ट होते हैं, बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, ऐसे ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो पेटेंटेबल होते हैं जी। और चूंकि मैं भी दो पेटेंट फाइल करा था ड्यूरिंग कॉलेज डेज, अपन गए हुए थे उस टाइम जलंधर में एक इवेंट हुआ था एमएसएमई के थ्रू ही, तो सर का मैं एक बार जरूर करना चाहूंगा कि डीएवी कॉलेज में हुआ था तो वी वर द विनर्स, तो उस टाइम पे 10 लाख रुपए मिलने थे एमएसएमई के थ्रू, वो चीज कभी भी गवर्नमेंट के थ्रू ना मिली। अभी जैसे आरटीआई एक सेटअप करी गई है, उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं सेटअप करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट ग्रांट्स होते हैं वो एंड स्टार्टअप तक क्यों नहीं पहुंचते हैं? अच्छा वो 10 लाख रुपए आपको नहीं मिले, मतलब आप वो जीते लेकिन आपको वो मिले नहीं। इसी तरह मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, उसी तरह बहुत सारे नहीं, बहुत जरूरी है, बहुत सही बात आपने बोली है, इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आते हैं लेकिन उसको बूस्ट नहीं मिल पा रहा। अब वो बूस्ट नहीं मिल पा रहा तो कभी भी मार्केट तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि जर्नी स्टार्ट करने से पहले वो जर्नी खत्म हो जाती है, कॉलेज जस्ट खत्म हुआ, सबको जी भाई मेरे को तो जॉब करनी है, मेरे को पैसे चाहिए, राइट? एक ही आता है, आइदर वो कंपनी चला के पैसे कमा ले या फिर जॉब करे कमा ले। अच्छा कंपनी चलाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि वहां पर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो जी अब बंदा कहाँ जाएगा? टैलेंट है वो, उसके पास टैलेंट हो सकता है कि फॉरेन कंपनी आएंगी उसको पिक करेंगे लेके चली जाएंगी। मेरा खुद मेरा को फाउंडर जो था पुरानी कंपनी वो आज जर्मनी बैठा हुआ है, रीजन बिहाइंड की हमें वो पैसे मिले नहीं, पेटेंट भी फाइल हुआ उसका भी कुछ नहीं हो पाया, एडनेट मैं अकेले कंपनी रन कर रहा हूँ वो जर्मनी बैठा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो टैलेंट पूल भी है होएगा ही होएगा। अब जर्मनी भाई अब रिसेशन उस तरीके से तो नहीं देख रहा जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तो हर जगह रिसेशन है, तो कहीं ना कहीं टैलेंट पूल की वजह से भी एक बहुत बड़ा फैक्टर पड़ता है मैम कि रिसेशन से अगर बाहर निकलना है तो तार कहाँ कहाँ जुड़ी हुई है। अच्छे प्रोडक्ट जी क्या कहना चाहेंगे इस रोजी पिक्चर के अंदर कहीं सारे कांटे जो है वो उभर के सामने आ रहे हैं। अभी आपके सामने ही दीपक ने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर दिया कि 10 लाख रुपए ही वॉन वो जीते लेकिन उनको वो फंड्स नहीं मिले एमएसएमई के थ्रू। इसमें एक और बात मैं ऐड करूंगा मैम कि जैसे बहुत सारे दीपक आप कंप्लीट करिए, आपके पास रजनीश जी आती हूँ मैं जी। दीपक आप कंप्लीट करिए, रजनीश जी के पास फिर मैं जाती हूँ। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आ गए जैसे विराग है, निधि प्रयास है, चुनौती है, स्टार्टअप इंडिया फंड है,
तो कहीं ना कहीं हर एक फंड्स को देने का एक तरीका है, एक नोडल एजेंसी बनाई गई है, लेकिन उसको रिव्यू करने का कि भाई किसी नोडल एजेंसी को अगर दिया गया कि जी आपको एटलीस्ट 15 स्टार्टअप्स क्वार्टरली या फिर ईयरली आपको फंड करने हैं, 25 लाख का पॉकेट मनी आपको दिया जाता है कि आप उसके अंदर तक कर सकते हो, लेकिन उसका अपडेट क्या चल रहा है? हर एक जगह आप नोडल एजेंसी बना दिए जी, हर एक का इंक्यूबेटर बना दिए, टीबीआई हर एक कॉलेज में आप खोल रहे हो जी, टीबीआई का फिर मतलब कौन कौन उनको भाई ओवरलुक कर रहा है? फाइनल कमेंट रजनीश जी आपसे मैं लेना चाहूंगी, इसको एक फाइनल कमेंट आपसे रहना चाहूंगी मैं रजनीश जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस रोजी पिक्चर के अंदर कहीं सारे कांटे जो हैं वो लाइव डिबेट के अंदर दिख गए हम। मैं रोजी पिक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं अब जैसे मैंने फरीदाबाद प्रोग्राम किया, वहाँ एमएसएमई इकट्ठे हुए, वो कहते हैं जी हमें बैंक के लोन की जरूरत ही नहीं, आप हमारी 45 दिन में पेमेंट करवा दो और हम सारे लोन वापस कर देंगे। लेकिन हर किसी की रजनीश जी, हर किसी की सिचुएशन वैसी नहीं है ना। अब एक कॉलेज से बाहर निकला हुआ बच्चा, उसको बिजनेस करना है, उसको तो फंड्स चाहिए ना। अब हर किसी के पास तो है नहीं फंड्स। अब आइए, गुप्ता जी ने एजुकेशन की बात की, आई एम मारवाड़ी, मेरे मारवाड़ी कम्युनिटी के अनपढ़ लोगों ने बड़ी बड़ी हाईटेक इंडस्ट्रियां लगाई। सर आप रजनीश जी मेरा सवाल नहीं समझ रहे आप। एक एजुकेशन के बाद, मान लीजिए मैंने एजुकेशन ले ली, उसके बाद मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे बिजनेस करना है, लेकिन मुझे फंड्स चाहिए। अब वही एग्जांपल दीपक जी ने दिया कि मुझे फंड्स नहीं मिले और उन्होंने वो फंड्स जीते, 10 लाख रुपए शायद आज उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, वो मल्टीप्लाई होकर शायद 3 करोड़ रुपए बन चुके होते आज। मेरा सवाल आपसे ये है फंड्स की, फंड्स कितने जरूरी हैं किसी को अगर अपने सपनों को पूरा करना है, एक बिजनेस को खड़ा करना है तो। मैडम मैं थोड़ा सा जैसे मैंने बताया, मैं अक्यूज करने की बजाय अपने ऊपर चीजें लेता हूँ। एमएसएमई जो ग्रो किए हैं उनको आज थोड़ा, उनको 70 साल से फंड्स नहीं मिले, पर हमने धंधा अपने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं देश की। तो मेरी सर वो तो बात यही होगी ना रजनीश जी, बात तो वही होगी, जब सब कुछ खुद करना है, सब कुछ खुद करना है तो किसी पॉलिसी बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। जब सारी जनता ने अपना काम खुद करना है तो कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर सब अपना अपना देखे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो आज हमने डिबेट करी कि माइक्रो एंटरप्राइजेस की जब हम बात करते हैं, माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस की, तो मंदी के हालात के अंदर क्या एक एक्शन प्लान है जिसके ऊपर काम होना बेहद जरूरी है। तो आज इसी मुद्दे पर रही हमारी चर्चा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।